हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं स्मिता मिश्रा आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल में। फ्रेंड, हम लोग इस नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और जून में हमारा एग्ज़ाम है और इस समय जो है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम आपके लिए हिंदी कहानी उसने कहा था कंप्लीट कहानी लेके आए हैं। ठीक है, क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हिंदी कहानी उसने कहा था। उससे पहले कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे प्रैक्टिस सेट जो हैं आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, अगर आप उनमें इनरोल करना चाहते हैं तो हमारे डेमो क्लास देख सकते हैं। 21 मॉक टेस्ट हैं, प्रत्येक में 100 क्वेश्चन हैं। जिस तरीके से एनटीए नेट एग्ज़ाम कंडक्ट करता है सेम उसी प्रक्रिया से हमारे प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं। अगर इनरोल करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जो है बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनरोल करेंगे तो लिंक आपको सेंड कर दी जाएगी, आप चाहें जितनी बार उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट में इनरोल करता है उसे हमारे नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, और बाकी सारा मटेरियल जो है फ्री है आपके लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी उसने कहा था। 1915 में प्रकाशित हुई थी। अब आप बता सकते हैं इसके दो साल बाद, तीन साल बाद कौन सी घटना हुई थी? ठीक है, तो वह हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, 1918 में, तो 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उससे पहले ही यह कहानी प्रकाशित हो चुकी थी। तो यह प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही प्रकाशित कहानी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद में है फ्लैशबैक पर। यह पहली ऐसी कहानी है जो फ्लैशबैक पर लिखी गई थी, जो पहले कहानी जो है बाद में दी गई और बाद की कहानी पहले दी गई। ठीक है, बहुत ही पवित्र प्रेम पर लिखी गई है कहानी और देश प्रेम पर भी है। इसका जो विषय है देश प्रेम और पवित्र प्रेम। ठीक है, तो आइए आज हम कंप्लीट कहानी पढ़ेंगे। अगर पसंद आए आप सिर्फ सुनिए, ठीक है, पूरा क्लास सुनिएगा। जो भी इसके पात्र हों उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और मैंने जो आपको बताया है इसे भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की कहानी उसने कहा था प्रारंभ करते हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की, जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर की, ये कहानी जो है अमृतसर के, अमृतसर शहर से ली गई है। ठीक है, क्योंकि अमृतसर पंजाब में है तो वहीं पर ज़्यादा लोग पंजाबी लोग रहते हैं। ठीक है, और ये जो है पंजाबी लोगों पे ही ये कहानी दर्शाई गई है। ठीक है, जो हमारे सिख भाई होते हैं बड़े बड़े शहरों में, ये बता दिया। अमृतसर के बम्बू कॉर्ड वालों की बोली का मरहम लगावें, जबकि बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ के चाबुक से धुनते हुए। इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट यौन संबंध स्थिर करते हैं, कभी उसके गुप्त गुह अंगों से डॉक्टर को लजाने वाले परिचय दिखाते हैं। कभी कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरक खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पौरों की चेंच कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की ग्लानी और शोभ के अवतार बने ना किसी चले जाते हैं, तथा अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले लिए ठहर कर शब्द का समुद्र उमड़ाकर बच्चों खालसा जी हटो भाई जी ठहरना ऐसा बोलकर चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्या मजाल है कि जो और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती है नहीं चलती है, पर मीठी छुरी की तरह चलती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चिटौने देखकर भी लीक से नहीं हटती है तो उनको उनके बचाने वाले शब्द क्या होते हैं? हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा बालिए, हट जा पुत्ता प्यारिये, बच जा सलम्बी वालिए। समष्टि में इसका अर्थ क्या है आइए देख लेते हैं। तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू कार्ड वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सुथले सुतने जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। ठीक है, तो ये कहानी स्टार्ट होती है यहाँ पर। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया दुकानदार एक परदेसी से
गुड़ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी गिने बिना हटता न था। तेरा घर कहाँ है? मगरी में। और तेरा? मांझी में। यहाँ कहाँ रहती है? आता सिंह की बैठक में। वह मेरे मामा होते हैं? मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा। क्या पूछा? ये बहुत ही फेमस लाइन है, कई बार पूछी जा चुकी, तेरी कुड़माई हो गई क्या? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। दो तीन बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई क्या? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की सीधली रास्ते से एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले उसके दिल में कैसा ठेस लगा और उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा और गोभी वाले ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आते ही किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब घर पहुंचा। होश में आओ, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लेफ्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार से इसका मुंह नहीं देखा मैंने। देखा है और बातें की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर कितना उर्दू, और मुझे पीने की सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होकर उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो। आप जो भी मैं यहाँ पे फ्रेंड बता रही हूँ, मैं पात्र जो बता रही हूँ उन्हें आप नोट करते जाइएगा, ठीक है, जिससे आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। पूरी कहानी इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ जिससे आपको पूरे कथन भी इसमें पता चल जाएंगे और जो है इसके जितने भी पात्र हैं वो भी पता चल जाएंगे, ठीक है। एक काम करो, पलटन में पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवे। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से ही निकल जाओ, पत्ता तक न खुड़के। देर मत करो, हुक्म तो यह है कि कहीं यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म है जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम आठ ही हो, आठ नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले हैं। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों से घुसेड़ दिया और तीनों में से एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की गुत्थी थी जिसे सिंगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी रखने लगे। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब के कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख में घाट कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने 3 गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिंगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकलकर उन्हें अपने जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। या सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, या सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच से के सींग होते हैं। या सीखा कि मुसलमान खान साहब सामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर या तो कहीं ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख गए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना सिंह ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले हैं लहना सिंह कहता चला गया, 4 लाख तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने वर्ष लप्टन साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की वो मालूमी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चों
बच्चे होने का तावी बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़े वड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गांव को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला की दाढ़ी मुड़ा दी थी और गांव से बाहर निकालकर कहा था कि जो मेरे गांव से अब पैर रखा तो साहब की जेब से पिस्तौल चला और लहना की जान में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के दो फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुना दिया कि एक लड़का कुत्ता आया था मार दिया, एक हड़का कुत्ता आया था मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर गांव के दोनों तरफ पट्टियां खसकर बांधी। गांव मास में ही था, पट्टियों के कसने से लू बंद हो गया था। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की वार ने पहले धावे कुरों का, दूसरे कुरों का, पर यहाँ से थे 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वह गुरुजी का फतेह, वह गुरुजी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनी की पीठ पर पड़ने लगे। इन मौके पर जर्मन दो चक्कों के पाटों के बीच आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आ गए, आग बरसाते थे, और सामने से लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया था। एक किलकारी और अकाल सिख दी फौज आई, वह गुरु जी दी फतेह, वह गुरु जी दी खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करहा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूरा भर लिया और बाकी का साफा कसकर कमर बांध कर की तरफ लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हो कि लहना के दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ सही नामक सार्थक होता है, और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बाणभट्ट की भाषा में दंत वीरो पदे सचारी कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि मैंने कैसे मन भर फ्रांस की भूरी भूमि पर बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मर जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी से घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जान में पट्टी बांधवानी चाहिए। बोधा सिंह ज्वर से वर रहा था, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे, या देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है तो इस गाजिश में न चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, बजीरा सिंह मेरे पास ही है। आशा पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थीं। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे, अपनी सूबेदारनी से तू कह देना उसने क्या कहा था। यही कहानी का शीर्षक है। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तह तर हो रहा है।
मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो गई थी। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लैना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ हर कहीं उसे 8 साल की लड़की मिल जाती है। और जब वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है, तब वह धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं या रेशम की फूलों वाला सालू। या सुनते ही लैना सिंह को दुख हुआ और क्रोध हुआ। क्यों हुआ? बजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए, अब लैना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली भी थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते आना, साथ चलेंगे। सूबेदार का घर रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लैना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में निकल कर आया, बोला, लैना सिंह सूबेदारनी तुमको जानती हैं, बुलाती हैं, जा मिला। लैना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती हैं? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार का घर के लोग रहे नहीं, दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा है। असीन सुनी लैना सिंह चुप, मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुड़माई हो गई कल हो गई, देखते नहीं रेशमी वोटो वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। बजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था, स्वप्न चल रहा है। सुविधानी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हमें तीमियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं सुबेदानी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे एक ही वर्ष हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सुबेदानी रोने लगी, अब दोनों जाते हैं, मेरा भाग तुम्हें याद है? एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे, आप घोड़ों की लातों पर चल गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त के पास खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है तुम्हारे लिए, आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सुवेदानी ओवरी में चली गई। लहना सिंह भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखी वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधा घंटे तक लहना फिर चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। बजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट में मेरा सिर रख ले। बजीरा ने वैसा ही किया, हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब की हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठ कर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। बजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 67वीं सूची मैदान में घावों से भरा, मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। तो फ्रेंड ये आज की कहानी रही और ये हमारी उसने कहा था कहानी पूरी कंप्लीट थी। इसके बाद जो है हम आकाशदीप पढ़ेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ओके धन्यवाद।